दिल पर पत्थर रख कर हम लोग आज इजल को घर छोड़ कर आए हैं नानी दादी के पास, क्योंकि बेगम ने भी साथ जाना था। अच्छा यार, बहुत जुल्म हो गया हमारे साथ शादी पर, क्योंकि ये मर्दों का टेबल अलग हो गया है, औरतों का टेबल अलग हो गया है। मैं तो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि रोटी कब खुलेगी। रोटी खुल गई, वो छुपी के मैंने खोल दिया रोटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आपका एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले डेली के व्लॉग जो हम लोग अपलोड करते हैं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, पहले ये काम करें, बाद में अपना व्लॉग आगे भी जा रहे हैं यार, सब्र रखो यार। उठते ही सबसे पहले मैं चेक करने आ गया हूँ गीजर, क्योंकि गीजर कभी गर्म पानी दे रहा होता है और कभी नहीं दे रहा। अभी जरा चेक करें, गर्म पानी आ रहा है, आ गया, चले शुक्र है यार। बढ़ रहा है टेम्परेचर, बढ़ रहा है। ये देखे ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले नहीं बढ़ रहा था टेम्परेचर, अभी चल पड़ा है गीजर। ये जब भी गर्म पानी नहीं ना देता, मैं आकर इसको ऑन ऑफ करता हूँ तब चल जा, क्योंकि वैसे भी ठंड आ चुकी है और अभी गर्म पानी के बिना तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। दूसरी दफा आया हूँ गीजर के पास, क्योंकि दोबारा फिर से इसने गर्म पानी देना बंद कर दिया था यार। अभी ऑफ किया है, इसको ऑन करता हूँ। अब खोलो नल, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। चल गया। अभी पता तभी चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं। जा रहा है भाई। चल गया ना, अब आएगा पानी गर्म। दिल कर रहा है अपने गीजर को ना छितर मारूं, सही बात है। तीसरी दफा आया हूँ और तीसरी दफा आकर भी मैंने ऑफ किया है इसको, और ऑन करता हूँ फिर टेम्परेचर सेट हो। चल ही नहीं रहा, बंद हो गया यार। नल खोलना अभी, क्या कर रहा है। ऑन होता है, ऑफ हो जाता है खुद ही। मैं स्विच भी ऑफ करता हूँ और यहाँ से भी ऑफ, थोड़ी देर तक ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्या करता है। अभी ऑन करता हूँ इसको और यहाँ से भी बटन को ऑन करता हूँ। अब चलना शुरू हो गया। यार आ गया था, चल गया था, फिर से बंद हो गया। नल खोलो दोबारा से। आज ये चला ना तो मैं इसको ना आग लगा दूं। चल गया। चल रहा है ना अभी। पानी यार, जे जलील कर दिए इस गीजर ने। तीसरी दफा आया हूँ मैं, अभी चौथी दफा आना पड़ा ना तो आग लगेगी। आज फिर से अपने नाश्ते में है ब्रेड, चाय, और तीन चार दिन यही नाश्ता चलेगा, क्योंकि ये अब मुंह को लग गया, बाद में पराठों पर आ जाएंगे। अभी मैंने पिक किए हैं कवल के कपड़े, मेरे कपड़े आए कोई नहीं है, ना ही मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि इन मामला में मैं बहुत ज्यादा ढीला हूँ और मेरा डिजाइनर भी बहुत ज्यादा ढीला है, वो मेरे से भी ज्यादा ढीला है। कोई मसला नहीं, हम दोनों एक जैसे मिल गए हैं। अभी मैं घर से ही कोई कपड़े अपने निकालूंगा। अभी एजल और उसके बाबा सो रहे हैं और एजल खराटे मार रही है। माशाल्लाह। 5 hours later. यार तकरीबन 5 to 6 days हो गए हैं और मेरा फ्लू बिल्कुल नहीं ठीक हो रहा, बल्कि मजीद सर पे चढ़ता जा रहा है। मतलब कभी बेहतर हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा घटिया तबीयत कर देता है। अभी खैर है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, वही ब्रेड का एक आधा पीस और उसके साथ चाय, और वो और अभी तकरीबन 5:30 बजने को आ चुके हैं। अभी फिर मैंने ना बॉयल अंडा करवाया, तो बॉयल अंडा ऐसे ही खाया नहीं जाना, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा बेसन लगवा लिया, ताकि जरा पेट पूजा भी हो जाएगा और अपना जो चटपटा काम है ना वो भी हो जाएगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग हो गए हैं रेडी, और ऑलवेज लेट पर्सन इस दफा भी लेट ही है, क्योंकि इवेंट स्टार्ट हो चुका है। कुकू, दरवाजे के आगे क्यों बैठे हो, उठो यहाँ से, चलो साइड पे हो, चलो शाबाश। कुकू नहीं सुनता यार, कुकू बहुत ही जिद्दी तरीन चीज है, सही बात है। मैं भी जिद्दी था अपने घर में, और ये जो नया मेहमान है ये भी बहुत ज्यादा जिद्दी है। अभी मैंने सबसे पहले छोटी गाड़ी से निकाला है चार्जर, बिकॉज हमारे पास गाड़ियां तो अल्हम्दुलिल्लाह दो है, लेकिन चार्जर एक ही। तो जब इस गाड़ी में जाना हो तो यहाँ चार्जर ले आते हैं, जब छोटी गाड़ी में जाना हो तो वहाँ चार्जर ले जाते हैं। ये बंदे हैं ना यार, क्या करें, दो चार्जर नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग, इसलिए बस। ईदल माशाल्लाह आज 12 दिन और 13 रातों की हो गई है, और दिल पर पत्थर रख कर हम लोग आज ईदल को घर छोड़ कर आए हैं नानी दादी के पास, क्योंकि बेगम ने भी साथ जाना था, बिकॉज इसकी दोस्त का आज उपटन है, इसलिए इसने कहा मैं नहीं रुकूंगा। बल्कि सब ने बहुत ज्यादा रोका है इसे कि कमल तुम नहीं जाओ, दुल्कनैन हुआ था, लेकिन कमल ने कहा नहीं जी, मैंने भी जाना है। ये खुशियों वाले जो पल होते हैं ना, वो कभी कभी इंसानों की जिंदगी में आते हैं, तो उन पल को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे भी मैं इतनी रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि नानी दादी को एक्सपीरियंस है, उन्होंने ही हमें पाला, आपको पाला, तो मुझे टेंशन नहीं है अपनी
थोड़ी सी है जी, हमेशा टेंशन होती है इंसान को। फिर बताता चलूं कि हम लोग जा रहे हैं दरअसल आज शहर हयात के उपटन पर, उनका बल लिखा है आज उपटन है तो फिर जाना बनता था, इसीलिए मेरी तबीयत भी सुबह से बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन आने से पहले मैंने दोबारा से दो पेनाडोल घटाघट अंदर ली और निकल आया, और निकलते ही इसने वीडियो कॉल मिला लिया इजल को कि इजल को दिखाना अभी पहुंचे भी नहीं है। अभी हम लोग वेन्यू पर पहुंच गए और मुझे अपना आप बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा है क्योंकि इस तरह का कलर ना मैंने फर्स्ट टाइम पहना है और इस तरह की वेस्ट कोट भी। बेगम मेरी कह रही है बहुत अच्छा लग रहा हूँ लेकिन मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा। बेगम को ही अच्छा लगना और किसको अच्छा लगना यार, फिर भी अपना अपने आप को भी लगना चाहिए अच्छा। क्या बेगम को अच्छा लगना चाहिए? बेगम तो हमेशा ही कहती है मैंने कच्छा भी पहना हो या मैंने चप्पू स्टाइल बाल भी बनाए हो तब भी ये कहती है बहुत अच्छे लग रहे हो, इसलिए मैं यकीन नहीं करता इस पर। छोटा सा बच्चा खबरें भी देखता है यार। ओए अली का फैन निकल आया है भाई, क्या बात है। ये इसकी खबरें देखते हो, देखते हो अली की खबरें सारी झूठी। अच्छा यार बहुत जुल्म हो गया हमारे साथ शादी पर क्योंकि ये मर्दों का टेबल अलग हो गया है, औरतों का टेबल अलग हो गया है। मैं तो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ लेकिन वो अपनी चुगलियों में मगन है। हम लोग यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि रोटी कब खुलेगी। हाँ मिलने जा रही हूँ, मैं समझा शायद रोटी खाने जा रहे हो। यार ये भी शुरू हो जाते हैं देखो यार। मैं तो वैसे घर से खाना खाकर आया था लेकिन जब सब खा रहे थे तो मेरा भी दिल कर पड़ा कि मैं भी हलवा पूड़ी खा ही लूं, इसलिए बस एक ही खाएगा आपका भाई। वैसे अली क्या खाओगे? जो कुछ है। अच्छा चलो ठीक है फिर जो मर्जी खाओ। हाँ खानी है वो नहीं चल रहा, कहते सुनो 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 वो कहते अच्छा आजकल नया ट्रेंड है। चलो यार मैं अभी थोड़ा सा हलवा डाल दूंगा, हलवा पूड़ी मैंने हलवा वो पूड़ी डाल ली है। ये थैंक यू यार अली, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बस हलवा भी डाल दो थोड़ा सा यार, हलवा भी डाल दो मेरी प्लेट में। हाँ ये चीज गर्मा गर्म हलवा। देखो बात ठीक है, खाना खाना है खाओ लेकिन ये बुकले मार के खाना नहीं खाना चाहिए। मुझे पता है चादर में कुछ छुपाया है तुमने, दो तीन पूड़ियां इसमें से निकल आती है। शॉपर क्या? वाह भाई वाह, कहता मैं शॉपर लेके आया हूँ, बुकल वाला काम पुराना हो गया। नीचे वाला जितना है ना सारा खाली है। ठीक है ये भैंस जाता है बहन को ले आता है, बहन नीचे कड़म नीचे। चले जी अभी लाइटें बंद और हमारी तरफ से भी बाय बाय। चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? सही बात है, तुमने मुझे चक्कर दिए ना वो तुम्हें पलट के वापस आ रहे हैं, भूखे ही आ रहे हैं। इस बेचारी ने तो कुछ खाया पिया ही नहीं है, इसको डॉक्टर ने मना किया है बाहर का फूड। अब उनने तो खाई हलवा पूड़ी खाई है सही तरीके से, टका के। दानियल ने भी कुछ नहीं खाया। एजल का जी मामू के चाचू क्या हो भाई जी? मामू भी मामू रहे तो मामू क्या बोला? मामू यार तुम भी ना सारी मामे ही बन जो। अंगूठी लेके आया है बहुत प्यारी एजल के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, एजल के बाबा की तरफ से थैंक यू सो मच। चाहिए? नहीं किसकी तरफ से चाहिए? मेरे को कितनी प्यारी लगी एजल की तरफ से। वाह भाई वाह, उसे पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। माशाल्लाह। चलो जी मेहमानों के लिए अभी मैंने खाना चाना मंगवाया, खाना आ रहा है फिर खिलाते हैं और आपको अब मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ क्योंकि अभी का टाइम मेहमानों को भी तो देना है ना यार, थोड़ा सा मतलब प्राइवेट टाइम भी होना चाहिए। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट्स। बाय बाय।